विल कम अप टू असम सर नाउ। असम सर आपने सुना सबको क्या क्या बोला, तो आप फिर हम बिल्कुल ठीक से जानना चाहेंगे जो आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, तो क्योंकि आप बोलने और लिखने दोनों की समस्या है हिंदी की, तो आप एक बहुत ही हमें जिस्ट में बताएं कि किस तरीके से ये आपका एक प्रोजेक्ट हेल्प करता है बच्चों और टीचर्स को, क्योंकि टीचर्स भी हम कहते हैं इम्पोर्ट नहीं कर सकते टीचर्स का। जैसे मैम ने भी, रिचा मैम ने कहा कि, या सर ने भी कहा कि 99% टीचर जो है वो हिंदी गलत लिखते हैं, उनके भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको टोकना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो किस तरीके से आपने एक सिस्टम बनाया है, प्रोजेक्ट बनाया है, जिससे टीचर्स भी इससे लर्न करें और आगे बच्चों को भी सही सिखाए, क्योंकि वो गलत सिखाएंगे तो बच्चे भी गलत सीखेंगे। ओवर टू यू सर। थैंक यू मिस्टर चंदू। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वह में। डजंट मैटर, आई हैव रिक्लेम माय होस्टिंग। तो मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? आई कांट हियर यू, यू कैन कीप योर माइक्स ऑन, इट्स ओके, आई यस सर, लाइक यस एन सर, इंटरेक्ट। यस सर, हाँ जी। सो मैंने क्या किया है, आपके बहुत सारे प्रश्नों का एक स्टैंडर्डाइज जवाब बनाया मैंने, क्योंकि क्या होता है जिनके अंदर दिलचस्पी है वो कुछ कर लेते हैं पर वो उससे डेटा भी नहीं निकलती है। तो मैंने कक्षा 3 से 8 के लिए करिकुलम ओरिएंटेड कंटेंट बनाया है, जिसके अंदर हमने टेक्नोलॉजी के जरिए बड़ी पेची जो हिंदी की पेचीदापन है उसको बड़ा ही सरल कर दिया। जैसे कि ये एक पहेली है, तो अब मुझे इसमें से शब्द बनाने, तो मैं ठग बनाता हूँ, ठ ग ठग, मैंने क्लिक किया नीचे बन गया, मैंने उसे दर्ज किया, उसने चेक किया हाँ उपलब्ध है और मेरे को इतने पॉइंट मिल गए। और ये पॉइंट जो है ये बड़े जरूरी हैं। ये चलता रहता है बेसिकली। एंड एक एक करके हम क्या करते हैं कि हमें बहुत सारी अलग अलग पहेलियां, बहुत सारे अलग अलग संदर्भ, ग्रामर हो, मतलब करिकुलम कंटेंट हो, ग्रामर बहुत बड़ी चीज है। और जो मैं करीब 450 हिंदी टीचरों से बात कर चुका हूँ ड्यूरिंग माई रिसर्च, तो इसको टेस्ट किया मैंने कि सबसे बड़ी दिक्कत है एक एंगेजमेंट। तो बच्चों को खेल, जैसे कहा गेमिफिकेशन में एक एंगेजमेंट मिलती है, जैसे इसके अंदर बनती है लिखवाई। अब मैंने इसे दर्ज किया तो हाँ मेरे को 20 बोनस पॉइंट मिल गए क्योंकि मैंने सारे वर्ण प्रयोग कर लिए। तो ऐसे करके बहुत सारे गेमिफिकेशन, बहुत सारे अलग अलग टाइप के खेल हैं जो सिखाते ही नहीं है पर इंगेज भी करते हैं। और जैसे इंगेज करते जा रहे हैं आपका स्कोर पीछे बनता जा रहा है। अगर पूरी कक्षा कर रही है तो लीडर बोर्ड, रैंकिंग, वीकली प्रोग्रेस, मंथली प्रोग्रेस, ये सब आपको आंकड़े मिलने शुरू हो जाते हैं। और ये फॉर एग्जाम्पल फिल इन द ब्लैंक्स है, तो क्या होना चाहिए? कैन एनीवन गिव एन आंसर? मुझे दूसरे, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वो शत्रु अपने विपक्षी होना चाहिए, को भी चीट नहीं कर चोट नहीं पहुंचा सकता। मैंने दर्ज किया, दोबारा प्रयास करें तो क्या होना चाहिए? शत्रु। सो आई एम अलाउड टू मेक मिस्टेक। वाह। तो इसमें क्या होता है कि आपका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एक रिलेशनशिप जुड़ा रहता है। तो ये तो एक हम रजिस्टर्ड यूजर्स के लिए रोज 10-11 नई पहेलियां देते हैं। सो इज मैसिव अमाउंट ऑफ कॉन्टेंट जो जिसको हम, हमारा है कि 15 मिनट का खेल होमवर्क। आप यू नो होमवर्क क्या आ रहे, होमवर्क दे दिया, 15 मिनट के लिए खेलिए और वो एक पूरी व्यवस्था बन जाती है। अच्छा, अब मैं यदि जाता हूँ एक और पहलू पे और ये है उच्चारण और वर्तनी। जैसे मैम ने बताया था कि अगर सही लिखोगे, सही बोलोगे तभी सही लिखोगे, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इसके अंदर छोटी बड़ी मात्राओं का एक पूरा पूरी व्यवस्था है। तो इसके अंदर हमने अलग अलग पार्ट बना रखे हैं। पहला पार्ट है सुनो और बोलो, तो इसके अंदर बड़े ही सरल शब्द अट, ये क्लासरूम वर्जन है, बहुत सिंपल है एंड जो बच्चों को पहले से आता है। अब दोबारा सुन सकते हो, अब अब ऐसे करके हमने क्या किया, पूरी वर्णमाला को सरल, मध्यम और कठिन में डिवाइड कर दिया। तो ये केवल सुंदर रंग नहीं है, इसके अंदर डीप रिसर्च करी है मैंने कि लोकप्रियता क्या है अक्षरों की। अगर किसी खेल के अंदर हम अक्षर देते हैं तो एक क, एक र, एक ख से तो खेल नहीं बनेगा, तो लोकप्रियता क्या है? तो मैंने पूरा रिसर्च किया, सरल शब्द जो है, सरल अक्षर जो है वो सबसे लोकप्रिय है। तो आखिर में जब हम आते हैं पूरे पाठ करने के बाद, हमारी बाईं तरफ पूरी वर्णमाला भर जाती है। आधा क तो पर य पर ओ की मात्रा,
अनुनासिक क्यों? तो हम शुरू करते सरल, अट, अब, आई, इससे फिर एक और लेयर ऐड करते हैं सरल मात्रा की, क्योंकि फिर ऐसा नहीं लगता किसी छात्र को कि बिल्कुल ही अनजान कुछ कर रहे हैं। जाने पहचाने शब्दों से, सरल सरल चीजों से एक कदम और बढ़ाते हैं तो सशक्त होते हैं। ये नहीं लगता कि वो तुरंत ही अचानक उनको अ बता दो, उनको अ नहीं आता है, वो निराक्षर है। पर जैसे मैंने कहा, वो निराक्षर है पर बुद्धू नहीं है। तो ये एक पूरी व्यवस्था है इसके अंदर। जैसे कि अब इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्नोलॉजी है, तो ऊपर लिखा है आधा क, तो ये मैं क्लिक करूंगा, आधा क, जिस अक्षर पे क्लिक करूंगा वो सुनाई देगा। क, तो उसमें दे रखा है आधा क, आधा क, उस पर य, उस य, पर ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, उस पर अनुनासिक, तो ये क्यों बन जाता है। और अगर मैं गलती गले करता हूं की मात्रा, तो वो कहते हैं कि गलत है। इट्स सच अ सिंपल वे, यू नो, सेम सेम आधा थिंग विद दिस। ख, ख, आधा ख, य इसमें ऐड किया, य, उसी में आ की मात्रा ज्वाइन कर दी। आ तो वो की जिस मात्रा, प्रकार से, अगर मुझे वर्तनी नहीं आती है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर आती है तो हमारा सिस्टम जो है उसको तुरंत उसको जोड़ देगा। तो इसके अंदर और व्यवस्था है स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने आपको बताया, सरल अक्षर और मात्राओं से लेके आधे अक्षर, नुक्ता युक्त अक्षर, सब स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप एक पूरी आपको व्यवस्था बना रखी। इसके साथ, अब मैं सॉरी थोड़ी जल्दबाजी कर रहा हूं पर हर स्टूडेंट का एक डैशबोर्ड बनता है, तो डैशबोर्ड हिंदी अंग्रेजी दोनों में चलेगा, क्योंकि ये बाय रोट भी हम हिंदी सिखा सकते हैं जिनको अंग्रेजी आती है। तो अब हिंदी में आ गया सब कुछ, और इसके अंदर हमारी तखेल चुनौती जो है वो एक टेस्टिंग सिस्टम है, 3 मिनट की चुनौती है। उसके अंदर मेरा मानना है कि जो भाषा है वो 100% शब्दावली है। आपका ग्रामर भी, व्याकरण भी शब्दों ही से जुड़ा है, तो शब्दावली और उच्चारण, ये दो चीजें हम ठीक कर पाए तो हमारी भाषा स्वच्छता से, सफाई से हम बोल पाते हैं, मात्राओं की गलतियां नहीं होती हैं, अलग अलग चीजों की गलतियां नहीं होती हैं। साथ में जैसे मैम कह रहे थे कि अलग अलग टॉपिक्स हम हर महीने नए टॉपिक्स देते हैं, कविता लिखें, कहानी लिखें, तर्क वितर्क करें, चित्र बनाएं, तो हम मतलब शिक्षक की भी सहायता करते हैं, क्योंकि अगर बच्चे एंगेज हो रहे हैं तो फिर शिक्षक का एनर्जी हो गया, मतलब एंगेजमेंट में आधी एनर्जी तो वहीं निकल जाती है, तो एक बहुत एनर्जी सेविंग चीज बन जाती है। प्लस पूरी कक्षा की व्यवस्था हम आपको ऑनलाइन दे देते हैं, और इसमें आपका क्लास लीडर बोर्ड, रैंकिंग, वीकली रिपोर्ट, हर छात्र के ऊपर आपको एक वीकली रिपोर्ट मिलेगा कि फला फला छात्रों के कुल कितने क्या किए, कौन से तारीख को उन्होंने क्या खेला क्या नहीं खेला, उनका रैंक क्या चल रहा है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। साथ में सर्टिफिकेट्स भी देते हैं, सो एवरी वीक देयर आर वीकली रैंकिंग, टॉप रैंकिंग को सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं, और ये सर्टिफिकेट्स में आपके स्कूल का नाम इत्यादि, विद द नेम ऑफ द स्टूडेंट, द क्लास, कितना रैंक हुआ है। तो बच्चों को जुड़े रखने के लिए हम ऑनगोइंग हम चीजें बनाते हैं इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल ऊंचाई। सर, मेरा एक सवाल था, सॉरी मैं हाँ इंटरप्ट जी कर रहा हूँ, प्लीज। कि ये एक ऐप के बेस में होगा जो बच्चा शायद स्कूल के बाद भी यूज कर सकता है मोबाइल के जी जी जरिए जी या किसी ये डिवाइस मोबाइल के थ्रू, फ्रेंडली है तो मोबाइल पे बहुत तो सुंदर तरीके से चलता है। इसका और मतलब ये है कि बच्चा अगर एबसेंट होता है या नहीं समझ में आता होता क्लास में, तो घर जाके भी किसी भी समय अपने सहूलियत के हिसाब से वो अपने आप प्रैक्टिस कर सकता है, क्योंकि बोल के बता रहा है कि कहाँ पे तुम सही हो और कहाँ पे तुम गलत हो, कैसे अपने आप को आप ठीक करना है, सेल्फ बिल्कुल ठीक लर्निंग कह भी रहे हो हैं सर। जाती है। और इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, हम इनकरेज करते हैं कि बच्चे एंड में घर जाके मोबाइल लेके कुछ ना कुछ एंग्री बर्ड्स या कोई ना कोई खेल खेलते हैं, मतलब आज के जमाने में अवॉइड करना बड़ा मुश्किल है। हमने पाया कि जब घर में ये यूज करते हैं तो पेरेंट जो स्पेशली इंद्रिय क्षेत्रों में, वो जुड़ जाते हैं, मम्मी आती है, अरे तू क्या कर रहे हो, अच्छा ये पहेली, अरे ये शब्द बनता है, एक बड़ी छोटी सी, ये जो एंगेजमेंट है विद पेरेंट्स जो टोटली मिसिंग है, वो भी एक जोड़ने लगती है, क्योंकि एक वॉर्म्थ है हमारी भाषाओं के अंदर। अंग्रेजी के अंदर बड़े प्रश्न चिन्ह है और होने भी चाहिए, पर अपनी भाषाओं के अंदर जैसे ही हम कुछ देखते हैं तो एक जुड़ाव सा हमारा शुरू हो जाता है। तो बड़े ही संक्षिप्त में मैंने आपको एक चीज बता दी, चाहे वो
अब नीचे दे दिए गए शब्दों में कितने शब्दों में प्र है, तो इसमें तुरंत गिनने लगते हैं बच्चे, यू नो, एक एंगेजमेंट जो गेमिफाइड गेमिफिकेशन के अंदर होती है। अब इसमें फायदा यह है कि 1 लाख बच्चे 1,000 स्कूलों से, उनको सबको वही कंटेंट मिलेगा रोज। तो अब ये डेटा जो है, ये जो जीरो है डेटा, हमें डेटा मिलती ही नहीं है, तो ये डेटा जनरेट होनी शुरू हो जाती है। जब हम टेस्टिंग करते हैं, हम 3 मिनट का जो हमारा एक टेस्टिंग मैकेनिज्म है, बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है, आप अपने शब्द बनाएं और उसमें खेलें, और ये आपको चुनौती अभ्यास फॉर एग्जांपल, ये उसका एक ढांचा है। तो आपको 3 मिनट मिलेंगे, ऊपर आपको अक्षर मिलेंगे, नन ऑफ इट इज रैंडम, सारा डीपली रिसर्च होके 5 क नहीं आएंगे, आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलैरिटी जो लोकप्रियता है उसके हिसाब से रिसर्च किया है। यहाँ पर अब ड्रैग एंड ड्रॉप हमने करना है, तो कम बनता है, पर मैं अगर मात्रा डालना चाहता हूँ, सारी मात्राएं उपलब्ध है, आप मात्रा ऐड कर दीजिए, वो जुड़ जाता है। अगर आपको वर्तन ही आती है, हमने बड़े सिंपल तरीके से बड़े पेचीदे चीज को छुपा दिया है, तो आपको पता ही नहीं है कि वो क्यों जोड़ रहा है, क्या हो रहा है। एक सारा सरदर्द जो है वो, हम सर फेरे लोग हैं तो सर मार के हमने जो क्रैक की है चीजें, ये प्योरली पैशन के हिसाब से निकल रहा है, क्योंकि हमें हल बिल्कुल चाहिए था। अगर ये हल नहीं बनाते हम, तो क्या फायदा होता, हमारी भाषा वहीं पीछे, जैसे सर ने कहा, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की तरह, ये वो पड़ी रहती। तो इसमें, इसके अंदर क्या होगा, ये जो टेस्टिंग मैकेनिज्म है, ये स्केड्यूल किया जा सकता है ऑन दी आवर। तो 11 बजे अगर हम इंटर स्कूल कंपटीशन शुरू करते हैं, 11 बजे सब बच्चों को खेलना है, सब मोबाइल ले आओ, या लैब में हो, या 4 बजे हो, घर पे खेलना है, जो भी है, नोटिफिकेशन आ जाती है। 1 लाख बच्चों को 4 बजे अगर वो तैयार होंगे, सबको वही अक्षर मिलेंगे, सबको उतना ही टाइम मिलेगा, और 3 मिनट के बाद ये फ्रीज हो जाएगा। तो मतलब एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक लेवल प्लेइंग फील्ड के अंदर हम टेस्टिंग कर सकते हैं। इमीडिएटली आपके एक यू नो लीडर बोर्ड बन जाता है, रैंकिंग बन जाती है, क्लास सेक्शन में रैंक बन जाता है। तो ये पूरी एक पेचीदापन जो है, ये आपको अलग अलग तरीकों से हम आपको प्रस्तुत करते रहते हैं। तो ये वंडरफुल बहुत ही जल्दी तरीके से मैंने आपको एक चीज दिखा दी है, पर मैं आई एम गोना स्टॉप शेयरिंग एंड आई जस्ट वांट टू शो यू वन लास्ट थिंग। तो मैं अपना कैमरा चेंज कर रहा हूँ, तो आप अगर स्पीकर व्यू करें या मेरे स्क्रीन पे क्लिक करें, तो यू विल बी एबल टू सी अ लार्ज स्क्रीन। तो इसके अंदर आपको अक्षर दिख रहे हैं, ये हमारा एक, और ये पूरा ऑनलाइन एक जगह है जहां बहुत सारे फायदे हैं, पर ऑफलाइन का एक और फायदा है। अब ये गोटियां हैं, अब इससे बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। प्लीज सजेस्ट सम वर्ड्स जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल, अट, अ उठाया, ट उठाया, अट बन गया। अब खेल खेल में अगर मैं अट लिख देता हूं, तो मैं करेक्ट करके उसको सही कर सकता हूं, तो अट बन गया, आम बन गया, बहुत सारी चीजें। चलो ये तो काफी इजी है, इसका एक लेटर डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, और उसका एक पूरा सिस्टम है जो बना हुआ है। पर अगर मुझे माँ बनाना है, अब मैंने माँ उठाया, अब इसमें मात्रा कैसे लगेंगी, तो मात्रा सारी जो है वो पारदर्शी है, इसमें हमारा पेटेंट है, ये सारा सारा ओरिजिनल काम है, पहली बार दिखाया जा रहा है इसमें। इसमें आखिरी मात्रा उठाई, मैंने मुंह पे रख दिया, तो माँ बन गया। अब इसको करना कितना सरल है, अब आप जानते हैं प्राथमिक शिक्षा में हैंड आई कोऑर्डिनेशन, मसल, फाइन मसल कंट्रोल, कलर मैचिंग, कलर सॉर्टिंग, इसके लिए अलग क्रिएटिव क्लासेस होती हैं, ये दिस टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। पर ये तो सारेगामा वाला माँ है, अब इसको अगर मदर वाला माँ बनाना है मुझे, तो मेरे मात्राज ये स्टैकेबल है, एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, और ये एक डिजाइन पेटेंट है, इनफैक्ट आप किसी और प्रकार से इसको रख ही नहीं पाएंगे, ऐसे खांचे बने हुए कि वो एक ही प्रकार से रखा जा सकता है। सो यू कैन नाउ इमेजिन कि यू कैन मेक द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, हिंदी के अंदर जितने पेचीदा शब्द हैं, अगर गोटियां मिल गई आपको, तो खेल खेल में आप बनाएं, गलती भी करें, ठीक करें। और मतलब खेल खेल में सबसे बड़ा फायदा होता है कि अगर मुझे नहीं आता है, अक्षर वही है, किसी को हल दिख रहा है, किसी को हलन दिखता है, किसी को हस्ताक्षर दिखता है, हम एक दूसरे से सीखते हैं। यही जो शब्द खेलों का योगदान अंग्रेजी को बढ़ावा देने के लिए है, ये अति महत्वपूर्ण माना गया कि शब्द खेलों का योगदान आधुनिकता के लिए बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण।
अब इसमें एक बात रह जाती है, विच इज जस्ट अ क्विक लास्ट वन एंड देन आई विल हैंड ओवर, बिकॉज आई नो मुझे स्त्री बनाना है अगर शब्द, तो स त्र ई की मात्रा, अब क्या गलत है इसमें? सर मात्रा भी गलत है और आधा सा आएगा। बिल्कुल। अब देखिए मात्रा सुधारना कितना सरल है, मात्रा हटाया दूसरी मात्रा रख दी मैंने, तो बड़ी सही मात्रा लग गई, पर आधे अक्षर का क्या करें? अब प्रत्येक व्यंजन के पीछे उसका आधा रूप है, वेरी तो गुड, हमने 100% संपूर्ण वर्णमाला को आपको गोटियों में प्रस्तुत कर दी। तो सर ये तो हम लोग इंग्लिश में क्रॉसवर्ड जो बचपन से देखते आए हैं और बच्चों को भी देखते हैं, तो ये क्रॉसवर्ड बहुत इंटरेस्टिंग होता है बच्चों के लिए, जो जी इंग्लिश में हमेशा रहा, हिंदी में कभी नहीं आया है, आपने यही बनाया देखिए, इसको। सो ये है हमारा बोर्ड, तो आप गोटे उठाएंगे यहां रखेंगे, फिर उठा के एक एक करके अक्षर को अक्षर पे रखेंगे, तो पूरी वर्णमाला को हमने गोटियों में प्रस्तुत कर दिए। और ये जड़ है मेरे काम को, क्योंकि शुरुआत डिजिटल से नहीं करी थी मैंने, शुरुआत यहां से करी थी, और डिजिटल में ये सारा कुछ उपलब्ध है। प्लस आपके स्पेल चेकिंग के लिए हमारे पास 2.25 लाख शब्दों से ज्यादा है, हमारी पहेलियां 18,000 से ज्यादा पहेलियां हैं, तो हमने बहुत मेहनत करी कि इंटेलिजेंट कंटेंट, ये नहीं कि सिंपल सा एक गेम बना दिया आपने, अनार को अनार के साथ मैच कर दिया, ये कर दिया, वो है ही, मतलब 2-3 हज़ार शब्दों के साथ एक आध आपको मिल भी जाएंगी, वहां भी ज्यादा मेहनत नहीं करी है, पर हमने कहा कि नहीं, हमारी भाषा है, इसको प्राथमिकता ही नहीं देनी है, गहराई से प्रस्तुत करना है, जिससे कि मतलब कोई लड़की अगर बनाना चाहता है शब्द, लड़कियां क्यों नहीं, लड़कियों क्यों नहीं, तो इन चीजों से हम, चाहे वो व्याकरण हो या शब्दावली हो, संदर्भ हो, अलग अलग जानकारी हो। अब हम, मैं क्योंकि एक एक्टिविस्ट रह चुका हूँ भाषा में भी और कला में भी, तो मेरा मानना है कि जैसे अब शेरनी का, शेरनी शब्द का कोई प्रयोग ही नहीं करता है, लोग भूल गए कि शेर का स्त्रीलिंग जो है शेरनी है, हम माता को तो बिठा देते हैं शेरनी पे, वो शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमारी पहेलियों में भी ये सेंसिटिविटी है कि हम मतलब, चाहे वो जेंडर गैप हो या तमीज हो या आदर हो या सत्कार हो, किस प्रकार से हम एक चीज को बढ़ा सकते हैं, और बच्चों का सिर्फ करिकुलम ओरिएंटेशन से दूर करके हिंदी विश्व में आलाप कराएं, जैसे कि अलग अलग संदर्भ हो, हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं तो कौन से पहाड़ हैं, या अगर आप भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं, भौगोलिक शब्द कौन से हैं, या रासायनिक शब्द कौन से हैं, साइंटिफिक शब्द क्यों नहीं प्रयोग करते हैं। अंत में भाषा केवल एक विषय नहीं है, एक माध्यम है, और वो माध्यम एक बिल्कुल सही, पूरी बुनियाद है शिक्षा की। और अगर मैं एक लेख भी लिखना चाहता हूँ या कोई निबंध लिखता हूँ, तो भौगोलिक शब्दों का प्रयोग क्यों ना करता, तो उससे निबंध भी बड़ा दिलचस्प होता है और हमारी भाषा की गहराई और गहरी होती है। तो ये साइट जो हमारा है, ये hindisoeasy.com है, बड़ा सिंपल सा नाम है, हमारा ब्रांड है सो इजी, हिंदी से शुरू कर रहे हैं तो वो hindisoeasy.com है, ये आपको प्लीज आप इसको देखें, और एंड बिल्कुल चंदोक जी हैं ही हमारे सूत्रधार साथ में, तो बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया चीज, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर चीज के सिस्टम बदल गए, बच्चों को पढ़ने का तरीके, बच्चों को पढ़ाने के तरीके, क्योंकि हम टीचर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं, तो टीचर्स को थोड़े थोड़े देर के बाद अगर हम एक्टिविटीज नहीं कराते हैं तो वो सोने लगता है। तो जब जी वो मुझसे कहते हैं कि जब आप इतना मेच्योर हो कि आपको गेमिफिकेशन या आपको कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए, तो बच्चों को पढ़ाई के लिए क्यों नहीं चाहिए है? आप क्लास में स्कूल में मूव करते हैं, डिफरेंट क्लास में जाते हैं, फ्री पीरियड होते हैं, स्टाफ रूम में भी आते हैं, लेकिन वो बच्चे लगभग 6 घंटे एक ही क्लास के अंदर बने रहते हैं, इतना यंग होने की वजह के बावजूद भी वो क्लास में बैठते हैं। इसलिए आपका एक फर्ज बनता है कि कैसे आप बच्चों को चीजों को इंटरेस्टिंग करें, ताकि इस माहौल में रह के एक क्लास में एक जगह पे बैठे बैठे उनको वो चीज पढ़नी है और उनको उसको उसमें इन्वॉल्व भी करना है। तो आज के दौर में अगर हम बच्चों को AI बेस्ड टूल्स, और क्योंकि हम कहते हैं कि टीचर अब टीचर नहीं, वो फैसिलिटेटर है, इन तरीकों से जब बच्चों को सिखाएगा अवश्य बच्चों को इंटरेस्ट आएगा, और बच्चों को इंटरेस्ट आने के साथ साथ टीचर्स का काम भी कम होगा, क्योंकि उनका हार्ड वर्क जो है वो इन सब टूल से स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट होगा। आसिम सर बहुत अच्छा चीज, क्योंकि मैंने जब आपसे बात करी थी और समझा था, मुझे बहुत अच्छा कंसेप्ट लगा था, इसीलिए मेरे जहन में आया, जैसे हमेशा डिफरेंट टॉपिक्स के लिए आता है, कि मैं इस टॉपिक को लूं और इसके बारे में बात करूं, क्योंकि हम दुनिया में कम्पीट करने के लिए, दुनिया के हिसाब से अगर नहीं चलेंगे
बच्चों को शिक्षा उस हिसाब से नहीं देंगे। जैसे कि मैंने भी आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज में गया था लेने सेशन लेने, तो वहां पे एक बच्चे ने कहा कि मैं टॉप किया था मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इंडिया में, जर्मनी में जब मैं एडमिशन लेने गया तो मेरा एडमिशन रिफ्यूज हो गया क्योंकि मुझे एआई की बेसिक नॉलेज नहीं थी। क्योंकि दुनिया एक बहुत छोटी हो गई है, एक मोबाइल एक डिवाइस के अंदर रह गई है, कंपटीशन अब देश का नहीं है, विश्व में आपको कंपटीशन करना पड़ता है, इसलिए आपको उसके हिसाब से ही पढ़ना लिखना और आगे बढ़ना पड़ेगा। वरना हमारा बच्चा जो हिंदी टीचर 30 साल 40 साल पहले पढ़ा है उसी तरीके से अगर पढ़ाता रहा और बच्चा 10 15 साल के बाद और ही सिनेरी होगा उसके हिसाब से अपडेट ना हुआ। जैसे कि हम लोग कोशिश करते हैं इस माध्यम से जुड़ते हैं ऑनलाइन की वजह से थैंक्स टू टेक्नोलॉजी कि हम अपने आप को अपडेटेड रखें और हर चीज की जानकारी आपस में शेयर करें ताकि हमारे नॉलेज बढ़े और इसको हम आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच असीम सर, आपने इतना बढ़िया, क्योंकि हिंदी मैंने देखा बाकी सब विषय के लिए लोग काम करते हैं लेकिन हिंदी के लिए काम नहीं करते हैं जो कि सबसे पहली जरूरत है। थैंक्स टू यू, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आगे भी हमारे साथ जुड़ रहे ताकि आने वाले और जो हमारे एपिसोड है हम डिफरेंट एजुकेटर्स को बढ़ाए और उनको ये अवेयरनेस लाए कि हिंदी को कैसे अपने स्कूलों के अंदर बढ़ावा दे। थैंक यू सो जी मच जी असिम जरूर, सर, थैंक थैंक यू। यू सो मच, कोई थैंक यू सो क्वेश्चन मच टू हो ऑल ऑफ आपके यू। तो जरूर पूछिएगा इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। एक्चुअली एक्चुअली हम लोग स्क्रैबल्स खेलते हैं हिंदी में, आपको बताना चाहती हूँ, बिकॉज आपने बताया ना गेमिफिकेशन के बारे में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो डू दिस फ्लैश कार्ड्स इन हिंदी। हम दोनों जो है चीज करते हैं ऐसे ही जैसे आप बता रहे थे, एंड उससे जो है काफी हद तक जो है अक्षर बनाना सबको आ गया है स्क्रैबल से। सो उसे बहुत मैम अच्छा है जो आप। ही टोल्ड अस के स्क्रैबल वगैरह जो ये क्रॉसवर्ड है वो इन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन बच्चा इस पे नहीं, आजकल बच्चा चाहता है बुक्स नहीं उठाना चाहता है, तो ऑनलाइन वगैरह भी एप्स ऑनलाइन के में थ्रू भी ये यस बहुत अच्छे से कर सकता है, क्योंकि हाँ हेजिटेट करता है क्लास के अंदर टीचर से पूछने के मेरे इंसल्ट ना यस हो जाए कि यस तुमको आता नहीं है, तो जब वो सही बात डिवाइस है के साथ बैठ के घर में काम करता है तो उसको ये लगता है मेरे साथ कोई भी नहीं बैठा है, मैं आराम से इसके साथ यस इस एआई बेस्ड यस मशीन से बात कर सकता हूँ और मेरी हेल्प कर यस सकता है और मेरी भाषा को शुद्ध कर और सकता है, वहीं उसमें पर वो बढ़ावा दे शुद्ध भी सकता हो है। जाएगा। एआई में क्या है बिल्कुल कि उसी में आपका करेक्शन भी हो जाएगा मैम, बहुत बड़ी इस प्रॉब्लम है कि आज के जमाने में जो ये टेक्नोलॉजी वाला जो दौर चल रहा है उसमें बहुत बच्चे इंट्रोवर्ट हो गए, क्लासेस में नहीं पूछते हैं ना, तो यस एआई बेस्ड टूल से क्या होता है कि वो हेजिटेट नहीं करता है, केवल उसने एक डिवाइस अपने सामने रखता है, उससे बात करनी है और अपना आप को शार्पन करना है, और जब वो नेक्स्ट डे क्लास में है तो वो भी अपने भाषा को इतनी अच्छे से जान ले तो उसमें इंटरेस्ट है आएगा, समझ में आएगा, तभी वो आगे बढ़ेगा, तभी वो आगे बढ़ेगा। बहुत थैंक यू, अच्छा थैंक लगा सब लोगों से यू बार सो बात मच, करके। एंड सेम हियर, थैंक एंड यू दिस इज आई विल बी शेयरिंग द कॉन्टैक्ट डिटेल्स विद ईच अदर सो दैट यू मे ऑल्सो गेट कनेक्टेड। एक हमारी कम्युनिटी है एजुकेटर्स की जो हमें आपस में मिलकर आगे बढ़ावा देना चाहिए। थैंक यू उषा मैम, थैंक यू रिचा मैम, थैंक यू फरजाना मैम, एंड थैंक यू सीमा मैम एंड अभिषेक थैंक सर यू, ऑल्सो, नमस्ते। थैंक एंड यू सो स्पेशल मच, थैंक्स टू अशम सर, इट वॉज थैंक प्लेजर यू। कनेक्टिंग विद यू, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस ऑन थैंक द टॉपिक हिंदी। थैंक यू सो मच सर, बाय बाय, नमस्कार। यू जी। जी सर।